भाई तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देख लो इस मतलब ही कुत्ते को, पता नहीं मतलब ही बोलूँ क्या बोलूँ, इसकी कुछ मजबूरी रहती होगी। ऊपर ही आगे सुनाता है भाई, नीचे वहाँ से इसको इतना मिस करता हूँ ना भाई। मैं जिम में कुत्ता लेके इसलिए आया दोस्तों कि यार मुझे नीचे अकेले ना सोना पड़े। इसको देख लो इसकी हरकत है, ओए बता रहा हूँ, समझ रहा ना। वो साउथ इंडियन डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा। ए हमसे बदमाशी, डोसा फेंक के ऐसा मारूंगा ना इडली हफ्ता फिरेगा। बेहतरीन सही आटा वाला पिज्जा। वजन कम हो गया बता दे के वीडियो में, ये तो बता दे कर। कितना कम हो गया? 134 से 125 कितना हो गया? 9 किलो अप्रोक्स 10। अभी और कम करना है। कितना कम हुआ है? शॉल से कितना कम हुआ है? इतनी बहनती है, कितना कम हुआ है? 9-10 किलो। अभी डबल इससे और कम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेट एकदम अंदर करना है। चल ही रहा है प्रोग्रेस, बना के रखना है। इन्हें की जब वेट कम हो गया आप ठीक है, अब जब चिकन बिरयानी चाउमीन खाए फिर निकल जाएगा। इसको दूर कर दे नाड़े, उसे चल दे, सब बात नहीं कर रहा है, सोता है। तेरे रूम में हीटर है ना, इसलिए मजा आता है। पागल है रे, हीटर नहीं चलाती हूँ रात को। रात में तो कभी तो चलता है। अरे नहीं, नीचे में ये बिछोना पसंद है उस रूम में अकेले। तुम्हारे पास जगह नहीं मिलता कहाँ सोता? डरता है मेरे साथ सोने में। नहीं, क्या ही कर दूंगा मैं। अरे क्या सोचता है तुम यार, तुम्हें केला खाएगा? क्या सोचते? देखता हूँ यार, पहले इसको गर्म होने दे, भूख लग रही है। ये देखो भाई, ओहो खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है यार, टेस्टी बनाया यार, स्मेल से पता लग रहा है। आटा वाला बेस है ना, सबसे बेस्ट भाई। एक चीज कहनी पड़ेगी, पता नहीं फ्रेम कैसा आ रहा है, पर भाई ये जो पिज्जा है ना, इसको फोल्ड कर लिया रोटी की तरह, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ भाई, इतना सॉफ्ट बेस है ना इसका आटा वाला, भाई मजा आ गया यार। कैसे? ओहो भाई बहुत टेस्टी यार, मैं तो बोलता हूँ अम्मा ये आटा वाला बेस ज्यादा लाना चाहिए यार। ये चश्मा मैंने ना सुरेंद्र नगर से लिया था, ठीक है। एंड वही वाली बात है कि यार चश्मा पहनने की आदत तो नहीं, पर पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज भाई मैंने कोशिश करी कि यार हाँ स्टार्टिंग से क्यों ना अपन सनग्लास लगा के बेहतरीन टच बन के चले, है ना। मेन चीज़ क्या है, तो मैंने बताया था पानीपत जा रहे हैं हम। एंड पानीपत में भाई जो अपन शूट करने वाले ना आज, देखो यार भाई डिफेंडर हमने बहुत दिखाई है, पर आज हम तुम्हें 0001 डिफेंडर दिखाने वाले हैं। एंड बहुत तगड़ा, मतलब एक्सपेंसिव मामला है। यू गाइज वॉच इट, एक मिनट कहते हैं यू, आज इंग्लिश थोड़ी खराब कैसे होती है कि यू गाइज शुड वॉच इट, ठीक है। रैंगलर भी 0001 है, पोर्शे तो नहीं आजकल, प्रोनंसिएशन भी चेंज हो गया, पोर्शा बॉक्स्टर भी तुम्हें दिखाएंगे। गलत सीन भाई, ठीक है। पर्सनली मुझे बताओ, मुझे तो पता भी नहीं था भाई कि मुझे आज पानी बताना है। हमारा प्लान था ना आज के शूट का, मुझे लगा लाजपत साइड होने वाले कुछ था, मतलब कुछ सीन था, उतना क्या बताना, मिल के बताऊंगा तुम्हें। लेकिन पानीपत का प्लान बन गया। पानीपत भी यार मैं तो, मुझे लगता नहीं बहुत रेयरली गया यार मैं इस रास्ते में ना। कुरुक्षेत्र तक गया था मैं एक बार, जब मुझे डॉग्स के फार्म की एक वीडियो बनानी थी उसके रिगार्डिंग। लेकिन ठीक है चलो, यहाँ से अराउंड 1 घंटे का अप्रोक्स रास्ता है। एंड मजे लेते हो भाई, बढ़िया से गाना सुनते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर तुम आएगा सीन दिखाते हो, ओके दोस्तों क्या बोलते हो? लोग सही आ रहा है चश्मे के साथ, हैं फुल जेंजी वाइब आ रही है। सही है गुड। कैसे तुम लोग बढ़िया होगी? नहीं बस बढ़िया ही रहा करो हमेशा। शैंकी भाई कुछ है तुम्हारे बोलने के लिए? कुछ है बोलने के लिए तुम्हारे पास? बढ़िया शैंकी भाई, सर ऐसे बोल दो, सपनों में देखे मैंने, आगे बोल, आगे बोल बोल, ऑडियंस ऑडियंस के सामने बोलना वो चीज। भाई उस्ताद सिद्धार्थ दुबे हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है ना, हमारे स्कूल के दोस्त हैं। तो उन्होंने एक पंक्तियाँ बनाई थी जो मैं तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, पर उसकी स्टार्टिंग लाइन ये है, सपनों में देखे मैंने डैश चार उनको, आगे बोल दे, दबाया डैश चार डैश बार बार पांच बार, छोड़ो छोड़ो गंदी बातें नहीं, ठीक है आगे तुम्हें सीन दिखाते हैं, ओके भाई। ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं भाई फुल VIP ट्रीटमेंट। आ जाएंगी फैक्ट्री के अंदर भाई, गाड़ी आ गई है अपनी। एंड ये देखो भाई, गुरुदेव फिर सर गया अपने भाई का ना फैक्ट्री। यहाँ देख भाई पोर्शे बॉक्स्टर शैंकी ला ले, और डिफेंडर अपनी गाड़ी में लगाते हैं सामने, ठीक है। वो रहा अपना भाई, मिलाते हैं एंड इधर ही हम शूट कर लेंगे। भाई पानीपत हराड़ा साइड तो हमारा मौसम इतना गंदा हो रहा है यार, धूप की एकदम किरणें नहीं है, और बहन तो सोचो जेड ब्लैक शीशे लगा रखे हैं अपनी आंखों पे। भाई वैसे ये फैक्ट्री किस चीज़ की है ये बताओ मुझे? ये फीड की है। फीड मतलब चारा? हाँ फीड, कौन से चिकन नहीं खाते हम?
अच्छा चिकन की कौन वो फीड आता है ना, फीड ही खाते हैं वो, मुर्गों के लिए फीड है। अच्छा मुर्गों के लिए फीड, जो चिकन खाते हैं उनके लिए फीड है, मतलब जो चिकन फार्म खोल रखे हैं आपसे बल्क में लेते होंगे। अच्छा वैसा। अच्छा ये देखो भाई, भाई की डिफेंडर यहाँ पे खड़ी है, 0001 और बॉक्सर। जी जे नंबर गुजरात नंबर क्यों है ऐसे? ये परचेज हमने सेकंड हैंड की थी ना। कितना प्यारा बंदा है, मैं तो ये देख रहा हूँ यार, आगे से बता रहे हैं। बहुत से लोग छुपाते हैं ऐसे। नहीं छुपाने का क्या है, बिल्कुल लॉन्च कंट्रोल गए थे। हाँ कैसा रहा था? बढ़िया रहा। अच्छा हाँ तुम तो गए थे, तुम्हारी तो मैंने वो देखी थी रील, वहाँ पे मेरे ख्याल से सौरव जोशी व्लॉग भी देखा था। हाँ हाँ साथ ही थे अपने। अच्छा अच्छा कैसा रहा फिर मिलके? बढ़िया थे। अच्छा मैंने सुना कुछ रेस वेस भी करी। हाँ रेस वगैरह। अच्छा तो ऑफ कोर्स जीते होंगे तुम। हाँ सही है सही है सही है भाई, बहुत सही। ओके यहाँ पे लोगो बना हुआ है। अच्छा तो सिर्फ चिकन, मतलब सिर्फ मुर्गियों के लिए है फीड या फिर और भी कुछ? बस मुर्गों के लिए। मतलब ऊपर से हरियाणा में फार्म भी तो बहुत है ना, पोल्ट्री फार्म। हमारे पोल्ट्री फार्म भी है, हमारी एचडी भी है। अच्छा और ये पेट्रोल पंप भी अपना है बगल वाला? हाँ जी अपना। ओके बहुत सही। शैंगी दादा क्या बोलना चाहेगा भाई? सही लग रही है, मेरी फर्स्ट वीडियो है यार इसके साथ ना, पोर्शा के साथ। अच्छा हाँ, वैसे आजकल तो प्रोनाउंसिएशन लोग पोर्शा ज़्यादा बिलीव करते हैं, पोर्शा बॉक्सटर। बहुत सही यार, चलो थोड़ी प्लानिंग वगैरह करते हैं फिर शूट निपटाएंगे। ठीक है लो भाई तुम देख लो, 120 किलो, ओ 25 हो गया ये। एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये पूरा काटा है यहाँ पे, है ना, मतलब जो भी बोलते हैं वेइंग वाला मैटर। एंड शैंकी मुझे इतने टाइम से पागल बना रहा था ना भाई, तू क्या पागल पागल बनाता है क्या मुझे? तू मुझे कह रहा था तू 45 खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अबे हाँ तूने हर बार बोला है झूठ नहीं, मैं पतला हो गया लाले तेरी बैंड की शिट्टी, गलत मत बोल। तू बोल रहा था पतला हो गया, इधर खड़े हो जा। मुझे कह रहा था 45 को भाई मैं, अब देखो 55, देखना अभी 50, ठीक है बोला 500 ऐड हो जाए, हो जाए होएगा भी देख। ओए काटा पागल बना रहे हैं अभी तो सामने आ रहा था ना बचपन। तो तू क्या बोलना चाह रहा है कि जो गुरुदेव फीड्स का काटा है वो गलत है? तेरे सामने तो आया था बचपन। ये तो है भाई, मुझे लगता है इंसानों के लिए नहीं है ना ये, समझ रहे? बड़े वजन है। एक सौ 125 है मेरा, मेरा सही आ रहा है भाई। हाँ ये देखो भाई हमने डिफेंडर का एपिसोड बना लिया है, अब पोर्श की बारी है, ज़रा करते हैं इसका मैटर ना ढंग से, वीडियो आते हैं, फर्स्ट टाइम पोर्श की वीडियो बनेगी मज़ेदार। ठीक है फिर तुमसे मिलते हैं भाई। देखो खाना पीना चल रहा है, अभी शूट हो गया दोनों गाड़ियों का, है ना भाई? कहाँ से आया खाना, क्या बता रहे तुम इसे? आई देख ले इधर ही मॉडल टाउन है, तो जीटीपी में होगा फिर शायद। हां भाई को पता होगा। अच्छा ऐसी बात है, खा खा क्लिप लाने के बाद खाएगा अच्छे से, मुझे लगा था वेडिंग वाली फीलिंग आ रही तेरे को फ्लैश चला के। सही है भाई, जॉब से बैठे हैं, बढ़िया खाना खाते हैं एंड कोशिश करेंगे कि थोड़े कम ही रोटी खाएं, लेकिन डाइटिंग पे ना, डाइटिंग पे है ना, डाइटिंग पे चल रहा है ना, डाइटिंग का बहाना देखिए, खा के देखो कितना वेट हो रहा है खाने के बाद देखते हैं। चलो जो भी है खाते हैं। वैसे दिल्ली पहुंच गए हैं, टाइम देख लो 8 बजने वाले हैं, टाइम तो लग ही गया पहुंचने में, लेकिन भाई एक चीज़ है आगे ओमनी चल रही है भाई, ये ओमनी देख के हमें अपनी ओमनी याद आ रही है। एक तो साली प्रोजेक्ट कार भी ऐसे चुन रखी है शैंकी जो सड़क पे कम दिखती है, ठीक है वो वाली गाड़ी, और दिखती भी तो ऐसा लगता है देख के कि ये अपने पास है, ऐसा लगता नहीं है ये अपने पास है ओमनी, कहाँ हम 100-300 में घूम रहे हैं और अपने दूसरी गाड़ी क्या रख रहे हैं कि ओमनी, लेकिन तुम लोगों के लिए प्रोजेक्ट कार है दोस्तों, कुछ तगड़ा ही मॉडिफाई उस पर चल रहा है जो टाइम लग गया है पता नहीं अब तो भाई 2024 भी चालू हो गया है। एक्चुअल में लगता है इतना टाइम है, बट अब तू यूट्यूब वीडियो बनाता है तो इसलिए तेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है। हाँ लोग बहुत फील कराते हैं मुझे यार, समझ रहा है ना बोल बोल के। एक्चुअल में तेरे को पता है जब हम गए थे उसकी गाड़ी अभी तक रेडी नहीं हुई 100 किन पे। हाँ वो बंदे की खड़ी देख रहा है साल भर हो गया लग रहा है। साल भर तो रही वो मर्सिडीज कंप्रेसर वाली, कंप्रेसर तो भी लिखा था उसमें, समझ गया तेरी बात में। ये तो है यार टाइम तो लग रहा है, अब वो ये मैं बता रहा हूँ मेन मैटर तो ये भी है कि शायद क्या अपने जो कुंदन भाई उनकी भी शादी वाला टाइम चल रहा है ना अभी, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा बिजी है। बाकी पूछता तो रहता हूँ यार मैं कैसे कैसे क्या अपडेट पहुँचा है, उन्होंने तो बोला था उस दिन जब हमने लास्ट टाइम अपडेट किया था ना कि भाई एक दो दिन में अपना पेंटिंग वाला मामला चालू हो जाएगा इसका, और उसके जो सिस्टम अंदर चेंज करना है वो तो हो गई, देखते हैं यार टाइम लग रहा है कोई नहीं, लेकिन अच्छा लगा ओमनी देख के, हमें अपनी ओमनी की याद आ गई, थोड़ा मिस यू वाला मोमेंट हो गया दोस्तों, है ना वही है। हाँ भाई कैसे लेट के आ रहा है?
भाई बहुत देर से ऐसे बैठा हो तो ऊपर करके से थोड़ी देर रेस्ट कर लेता कमर। हां नहीं सही सही यार, चिकन सूप ढूंढते खाएगा तिलक नगर वाला, आज तो इधर से जा रहे थे मैं पूरी से, क्या कहता है? अरे यार उसके लिए उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा सीधा क्या, टाइम थोड़ी हो रहा है ना, अभी 8 बज रहे हैं। तिलक नगर में यार पार्किंग की दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। होगी तो ठीक है, वरना निकल लेंगे वहां से, कहीं और ट्राई करेंगे भाई, देखते हैं जैसा भी है ना। मतलब लास्ट ऑप्शन टूटने का सूप तो है ही, बेकार था लेकिन चिकन उस दिन, कल भी ना मजा नहीं आया था। तू क्या कह रहा था कि बॉइल्ड चिकन वैसे ही होता है? सबका अलग अलग होता है यार, कुछ कह नहीं सकता, सब अपने तरीके से बनाते हैं भाई। ये देखो वंस अगेन चिकन लेग पीस अपना सूप, एंड भाई मैं और ये दोनों गुस्सा है भाई इसमें ना, तुम देख रहे हो सोयाबीन ऐसे भरता भाई इंसान ना, ये दादा मंदिर है यहाँ पे द्वारका का ना, इधर मूड खराब होता है हमारा तो। मैंने सब बोला भाई मेरे कुत्ते ऐसे खाना खाते हैं यार, एकदम देख के लग रहा है मेरे कुत्ते का खाना है। छी यार शेंगी क्या बोलना चाहेगा भाई, बहुत अजीब सा था भाई, मूड खराब हो गया भाई, हम तो बोल के आए हैं भाई, माल में कटौती कर रहे हो आजकल। हाँ बहुत पतला था, अरे भाई पानी मिला रखा है एक्स्ट्रा चिकन भाई, लेग तो मुझे पता नहीं ऑलमोस्ट हर जगह का बेकार ही लग रहा है, पर मजबूरी में खाना पड़ रहा है कि अपना एक शौक सा हो गया है ना, खाना ही खाना है, और नई जगह से खाना सही लगता नहीं क्योंकि यार इधर का रूट अपना वाला ही है। सूप में इतना पानी, चिकन तो आया था ही ऐसा बोलता है, एक लेबर बनाता है। मैंने भाई लेबर को या तो तुम ज्यादा पैसा दो, लेबर को ज्यादा पैसा दो, या तो भाई लेबर तुम्हारा पैसे काट रहा है बीच में से। और हाँ सोयाबीन वाली बात बिल्कुल भाई, चिकन सूप पी रहा हूँ मैं, सोयाबीन सूप पी रहा हूँ ये क्या बात है भाई, ये लगी फाड़ रखी उसमें से भी, छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते वो करके भाई, अपने को अगली बार ना सुनो समझ रहा ना, ये करना पड़ेगा उधर से लाके इधर। चलो ठीक है दोस्तों, भाई मेरे सामने देखो सारे शटर पे लिखा हुआ है जय श्री राम, यहाँ देखो अयोध्या, चलो क्या हाथ है भाई, यहाँ भी देख भाई बेहतरीन भाई, अच्छा लग रहा है भाई देख के ना यार। आज दोपहर की बातों में गाड़ी निकाल रहा था ना भाई, मेरे सामने से एक बच्चा आ गया अपनी साइकिल में भाई, उसने भी झंडा लगा रखा था जय श्री राम का। मैंने बोला भाई जनवरी 22 भाई दिवाली से ज़्यादा स्पेशल हो रहा है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मंदिर में भी लगे देख लो भाई, मंदिर में भी है देखो, पगू कैसे चरणों में रखे, जादू कर दी है पगू के ऊपर, पता नहीं गलत पगू आज मैं 3 दिन बाद रोटी खाया, सब्जी दाल। कहाँ पे? जा गया था मंगल घर में या खरीद के? अरे ले उन्होंने करवाया था डिनर, यहाँ उससे क्या मतलब है? रोटी खाया होगा? खूब रोटी का 3 खाया था। कम खाने का आदत डाल ठीक है ना? मैं एक तो रोटी मैंने टाइम बाद खाई है, ठीक है कोई बात नहीं, खा ली अच्छी बात है, मगर अब ऐसा देखी ये भी वो भी ना, नहीं नहीं खाऊंगा मैं कुछ, जिंदगी में कभी नहीं जाते खाना। खुश है मम्मी तो? हाँ खुश है, अमानत, मूल्य अमानत अपना शरीर होता है।